वेलकम फ्रेंड्स वंस अगेन टीम बिल्डिंग में आपका। और या अब हम पहुंच चुके हैं फोर्थ वीडियो की तरफ इस कोर्स के लास्ट वीडियो में, और यहां हम देखेंगे किस तरह से हम हमारी टीम को बिल्ड करेंगे और डुप्लीकेट लीडर तैयार करेंगे। जो हमने पहले दो वीडियो में देखा था कि हमें एबल और बेड वाले काम छोड़ने हैं, लेकिन वो काम छोड़ने से पहले किसी को तो देना पड़ेगा, किसी को तो तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक हम करते आए हैं। तो हमें क्या करना है, काम लिखना है अपने और उसको सेपरेट करना है दो पार्ट में। एक हमारे जंक एक्टिविटी रहेगी, मतलब वो नॉन रेवेन्यू एक्टिविटी रहेगी, मतलब वो काम एबल और बेड वाले रहेंगे, और दूसरे हमारे रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी रहेगी जिससे हमारा पैसा आएगा। वो पैसा किससे आएगा, जिन कामों को करने के लिए हम बने हैं, जिसमें हमारी सुपीरियर और एक्सीलेंस एबिलिटी है। तो हमने क्या किया, काम को सेपरेट कर लिया, बाइफर्केट कर लिया। तो हम कौन से काम करेंगे हमें मालूम पड़ गया, और वो सेंटर के थ्रू हम फॉलो करेंगे, राइट। नॉट टू डू वाले काम थे वो हमें डेलीगेट करना है, या हमें कुछ अपना डुप्लीकेट लीडर तैयार करना है। तो हम किस तरह से करेंगे, सपोज मैं सेल्स में हूँ तो यहाँ पर मुझे सेल्स के लिए सेल्स फोर्स खड़ी करना है, तो मुझे लोग तैयार करना है। तो मुझे याद है जब दीपा सेल्स के लिए जाया करती थी और रिजल्ट नहीं आता तो मैं उसको चिल्लाता था, बोलता था, तो भड़क जाती थी। और फिर मैंने डिसाइड किया दीपा को तैयार करना है। तो दीपा को तैयार करने के लिए ये सिस्टम को मैंने सीखा, और ये सिस्टम के अकॉर्डिंग मैंने दीपा को तैयार किया। इसको हम बोलते हैं डेलीगेशन, 4W1H, मतलब वॉट टू डू, वेन टू डू, वेयर टू डू, वाई टू डू, एंड 1H हाउ टू डू। ये प्रोसेस हमें बताना है। तो सेल्स करना है तो सेल्स के लिए क्या करना है, कब करना है, कहाँ करना है, क्यों करना है और कैसे करना है, वो सारा सिस्टम मैंने उसको एक्सप्लेन किया। और फिर मैंने बोला चल ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 17 मीटिंग करेंगे दीपा। 17 मीटिंग में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मेरे साथ चलना है, आई डू यू सी, मतलब मैं करूँगा और आप उसको देखोगे काम को, मैं करूँगा और आप सिर्फ उस काम को ऑब्जर्व करोगे, और बीच में कुछ भी इंटरप्ट नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, राइट। और उसके बाद आप अपने नोट्स बनाओगे और नेक्स्ट डे आप बताओगे आपने क्या सीखा है, राइट। ठीक है, तो ये हमने 17 मीटिंग की। अब 17 मीटिंग में हुआ क्या, कुछ सेल्स हमारा आया, कुछ नहीं भी आया। जब सेल्स आया तो भी दीपा का कॉन्फिडेंस बढ़ा, और जब सेल्स नहीं आया तो भी उसका कॉन्फिडेंस लूज नहीं हुआ। उसको क्या लग रहा है यार, ये इतना सिंपल चीज थी, सलमान सर ने मेरे को बताया था यार, यहाँ पे सलमान सर ने ये पंच मिस कर दिया, यहाँ पर यार ये क्लोजिंग क्वेश्चन नहीं आया, यहाँ पे प्रेशर मिस करना भूल गया सलमान सर, राइट। तो सेल्स आ रहा है तो भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, सेल्स नहीं आ रहा है तो भी उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वो चार्ज अप हो रही है और सीख रही है हर एक से, और हर एक के नोट्स बना रही है। फिर मैंने उसको बोला अब 17 मीटिंग हमारी हो गई, 17 मीटिंग हम और करेंगे जहाँ पर आई डू यू सी, एंड इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्गर पॉइंट यू कैन टेक ओवर, मतलब हम दोनों मिलेंगे चलेंगे। पहले पार्ट में तुमने कुछ बात नहीं की थी, लेकिन अब यहां पर तुम बात कर सकते हो, राइट। तो क्लाइंट के साथ तुम्हें भी इंटरेक्ट करना है। तो अब दीपा बीच में 17 मीटिंग में बोल भी रही है, इंटरेक्ट भी कर रही है, और जहां पे मुझे लगेगा तुम साइड से बाहर जा रही हो तो मैं पैर टच करूंगा, तो शांत हो जाना। अगर मुझे लग रहा है तुम कंट्रोल में नहीं आ रहे हो तो बोले ठीक है। तो ये प्रोसेस में भी इसमें अब कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है कि मैं भी क्लाइंट को इंटरेक्ट करूँ। सर गुप्ता जी ने लिया है, गुप्ता जी को बहुत वैल्यू मिला है, हमारे बहुत सेटिस्फाइड क्लाइंट है, हमने इनके साथ काम किया है, बीच बीच में बोल रही है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और वो उसका देख रही है अच्छी तरह से, राइट। थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, थर्ड पार्ट में मैंने बोला कि दीपा अब यू डू आई सी, मतलब तुम करोगे मैं देखूंगा, मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा, राइट। इस केस में धंधा हो सकता है कुछ हमारे यहाँ से जाएगा, क्योंकि हम नए बंदे को खड़ा कर रहे हैं वहां पर, तो अपने को शांत बैठना है। हम लोग लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, राइट। और जो धंधा जाएगा समझना हमने चैरिटी कर दी, दान कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दीपा कर रही है कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें उससे मिस कर दे रही है, तो अब उसको एक्सप्लेन कराया जा रहा है, बाद में उसको बताया जा रहा है कैसे करना है, उसको और समझ में आ रहा है, अच्छा अगली बार मैं ऐसा कर दूँ, अच्छा कर दूँ। अब यहाँ पर वो एकदम एक्सपर्ट हो चुकी है, बन चुकी है। अब इन 17 मीटिंग के बाद वापस हम दोनों मिलकर साथ में जाते हैं, मैं बोलता हूँ हम दोनों मिलकर करेंगे, आई डू यू डू आई सी, और जहाँ पे मुझे लगा तू ट्रैक से हट रही है मैं तेरे को लात मारूंगा, तू शांत बैठ जाना, मैं क्लोजिंग की तरफ आ जाऊँगा। और तूने देखा है कुछ जगहों पे डील मेरे हाथ से भी निकली है, तो जब मैं करता हूँ तो मुझे पता नहीं चलता कब मैं ट्रैक से हट रहा हूँ, तो जब मैं ट्रैक से हटूंगा तो तुझे लात मार के मुझे शांत कर देना है वहाँ से, और तू क्लोजिंग की तरफ लाएगा और मिलकर हम लोग क्लोज करेंगे। बोले ठीक है। अब यहाँ पर हम दोनों धुंधर बैठे हैं साथ में, जहाँ पर मैं ट्रैक से हट रहा हूँ वहाँ पर वो मेरे को ट्रैक पे ला रही है, जहाँ पे वो जा रही है मैं ला रहा हूँ, और अब मिलके हमने 17 डील क्रैक की, और फोर्थ वाले केस में हमको जो पहले तीन केस से ज़्यादा क्लोथिंग आ रही है, राइट। अब मैं उसको बोलता हूँ देख हम दोनों मिलके दोनों शातिर बन चुके हैं, एकदम खतरनाक हो चुके हैं, अब मैं तेरे को फ्री कर रहा हूँ, अब कल से तेरे को इंडिपेंडेंटली जाना है, अपनी टेरिटरी तैयार करना है, अपना प्रोस्पेक्टिंग करना है, राइट, और अपने इंडिपेंडेंट काम करना है। और ये प्रोसेस में मैंने एक लीडर तैयार कर दिया, राइट। और उसको मैं बोलता हूँ 3 महीने में मेरे को तेरे अंदर दो लोग चाहिए या एक बंदा चाहिए तेरे नीचे डुप्लीकेट, और देखो टीम बनानी है अपनी, और टीम का तेरे पास ये बेनिफिट रहेगा, राइट। तो ये प्रोसेस करने के चक्कर में मुझे टाइम कितना लगता है, कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे इसको बनाने के, तैयार करने के लिए, राइट। कम से कम अगर देखें तो भी 1.5 महीना जाएगा हमारा इस प्रोसेस में,
लेकिन यही काम अगर हमें करना है तो हम यूं चुटकी बजाकर कर देंगे, राइट। और गलती हम यही करते हैं, चुटकी बजाकर करने के चक्कर में हम लोगों को तैयार नहीं करते हैं, राइट। इसीलिए लोग डेवलप नहीं हो पा रहे। आप ये बताओ मेरे को, आप जो एक काम कर रहे हो उसमें आप 100 रुपए लेकर आ रहे हो, 100% रिजल्ट निकाल रहे हो, लेकिन वही काम दीपा 70 लेकर आ रही है, 75 लेकर आ रही है। दो दीपा आपने खड़े कर दी 70-70 वाली, कितना बिजनेस आएगा? 140% आएगा आपका बिजनेस, तो भी 40% आपसे ज्यादा आ रहा है, राइट। आप फिर दूसरा कुछ हैंडल कर सकते हो। इसलिए आपको टीम तैयार करनी है, इसलिए आपको डेलीगेशन प्रोसेस में आना है, इसलिए आपको टीम तैयार करनी है, राइट। नेक्स्ट चीज जो आती है आपको, वर्क ऑन एक्सीलेंस एंड डेलीगेट रेस्ट। तो जो आपका एक्सीलेंट या सुपीरियर एबिलिटी है उस पर काम करना है, बाकी सारी चीजें डेलीगेट करो। डेलीगेट कैसे करना है वो प्रोसेस देख लिया। डेलीगेशन का मतलब टेलिंग नहीं है, डेलीगेशन में किस तरह से उनको बताना है, किस तरह से तैयार करना है, वो सारा प्रोसेस अभी हमने देखा, जो मैंने बताया 4W1H, इस तरह से डेलीगेट करना है, राइट। टेलिंग इज नॉट ए डेलीगेशन। आप बोल देते हो, वो क्या कर रहे हैं उनको नहीं पता, उनको सिखाना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा, सिस्टम बताना पड़ेगा उनको, राइट। दूसरा चीज आता है डेलीगेट पास्ट बेस एंड वर्क ऑन फ्यूचर। तो हमें फ्यूचर बेस्ड एम्प्लॉय और फ्यूचर बेस्ड कस्टमर होते हैं हमारे, उसी तरह से पास्ट बेस्ड एम्प्लॉय और पास्ट बेस्ड कस्टमर होते हैं। तो पास्ट बेस्ड एम्प्लॉयज कौन होते हैं? जो हमारे बहुत, हमें इनके पास जाते हैं हम लोग, एक ज़माने से हमारे साथ में है कंपनी, यहाँ से यहाँ आगे एक टाइम पे लेकर आए, खून पसीना लगाए, लेकिन अब कंपनी इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ रही है, एक लेवल पर अटक चुकी है, राइट। इनके पास जब हम जाते हैं कोई काम बोलने के लिए, हमें पता है ये हमको डीमोटिवेट कर देंगे वो काम को ना करने के लिए। ये टाइम देख के आते हैं, टाइम बराबर टाइम पे निकल जाते हैं, इनको काम से मतलब ही नहीं है। क्या ऐसे लोगों को मुझे कंपनी में रखना चाहिए जिनकी वजह से कंपनी आगे नहीं बढ़ रही है? तो आंसर इज नो, या हम नहीं निकाल सकते। तो हमें क्या करना है, बीच में एक आदमी रखना है, लेकिन हमारा इंटरेक्शन कम से कम रखना है, क्योंकि ये पूरा तरह से निचोड़ लेंगे, चूस लेंगे। उसी तरह से हमारे फ्यूचर बेस्ड एम्प्लॉयज होते हैं, जो बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, नए नए चैलेंजेस लेने के लिए रहते हैं, इनको थकते नहीं है, राइट। इनके साथ हमें रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए, और इनके साथ हमें अपनी एनर्जी लगाना चाहिए, और इनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और यही हमारी कंपनी को आगे लेके जाएंगे। उसी तरह से हमारे कस्टमर होते हैं पास्ट बेस्ड, जो हमारे साथ एक ज़माने से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमको अब समझ में आ रहा है ये 8-4 कस्टमर था, इन 58-54 के चक्कर में हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये हमसे 4 का माल लेते हैं लेकिन 12 का हमको निचोड़ लेते हैं, घड़ी घड़ी कंप्लेन करते हैं, घड़ी घड़ी रोते रहते हैं। तो ऐसे कस्टमर के साथ हमें या तो बंद कर देना चाहिए, अगर हम बंद नहीं कर सकते तो हमें इनके साथ डील नहीं करना है, हमें अपनी फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन के पास डेलीगेट कर दो, और आपको प्रीमियम कस्टमर के साथ काम करना है, वो 20% कस्टमर जो आपको 80% रेवेन्यू दे रहे हैं, राइट। तो उन कस्टमर के साथ आपको काम करना है जो 80% वैल्यू दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं आपको, बाकी आप डेलीगेट कर दो, क्लियर है। तो तीन तरह के कस्टमर है आपके, हाई वैल्यू कस्टमर, मीडियम वैल्यू कस्टमर, लो वैल्यू कस्टमर। हाई वैल्यू कस्टमर वो है जिन्हें आपको डील करना है, जो 80% बिजनेस दे रहे हैं। सेकंड कैटेगरी मीडियम वैल्यू कस्टमर है, जो आपका सेकंड लाइन हैंडल करेगी, और फर्स्ट लाइन को आप दे दो लो वैल्यू कस्टमर, राइट। इस तरह से आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाओगे। आई होप ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। थैंक यू वेरी मच, और एक पावरफुल टीम क्रिएट करिए। थैंक यू।